मुरली विजय और दिनेश कार्तिक की तलखी आज की नहीं है। मुरली विजय ने दगाबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक की बीवी से पहले अफेयर चलाया और फिर शादी भी कर ली। इसके बाद दिनेश कार्तिक और मुरली विजय बहुत कम एक टीम में खेले। दोनों तमिलनाडु से हैं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु की टीम में भी दोनों एक साथ नहीं खेलते। मगर इस बार बेंगलुरु टेस्ट में मुरली विजय और दिनेश कार्तिक एक साथ खेलते हुए दिखे। मगर यहां भी मैदान में दोनों के बीच तलखी साफ साफ नजर आई। अफगानिस्तान के चौथे विकेट के रूप में अफसर जजाई आउट हुए और जजाई को ईशान शर्मा ने बोल्ड किया। इसके बाद जो दिखा वो चौंकाने वाला था। सभी खिलाड़ी ईशान शर्मा को चीयर करने पहुंचे और सभी ने हाईफाइव किया। अब ईशान शर्मा के बिल्कुल पास में मुरली विजय खड़े थे, तो देखिए फिर क्या हुआ। दिनेश कार्तिक आए काफी दूर से, इस तरह ईशान शर्मा का हाथ बस टच किया और फिर जश्न से पूरी तरह अलग हो गए। पूरी टीम इंडिया जश्न मना रही थी, लेकिन दिनेश कार्तिक दूसरी तरफ उनसे काफी दूर चले गए, अकेले घूमने लगे। सभी खिलाड़ी एक एक कराकर मिल रहे थे, मगर कार्तिक सबसे दूर चले गए। तो इस तरह मैदान में मुरली विजय और दिनेश कार्तिक की तलखी साफ साफ दिखी। वैसे भी मुरली विजय ने ऐसा काम किया जिसे दिनेश कार्तिक तो क्या कोई भी शख्स कभी भी माफ नहीं कर सकता, और इसीलिए टीम इंडिया में कुछ इस तरह का नजारा दिख रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।